तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारी है सेकेंड क्लास, और इस सेकेंड क्लास में हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में समझाया था आपको आइकन्स के बारे में, हम आइकन्स से शुरू करते हैं। तो आइकन्स में जैसे कि आप यहाँ से अपने हिसाब से आइकन्स लगा सकते हैं, राइट, बट आइकन्स को एडिट कैसे करोगे, आइकन्स को अपने हिसाब से कैसे रखोगे। तो एग्जांपल एक नेम है और यहाँ पे मान लीजिए स्कोर है, मान लीजिए कि एक कंपनी में आपके ये हुए हैं इंटरनल एक टेस्ट हुआ है और टेस्ट में ये इनके टेस्ट स्कोर है। अब मुझे मान लीजिए कि जो ग्रेटर देन 60 है उसको पास करना है और मुझे 40-60 वाले को री टेस्ट देना है और लेस देन 40 वाले को फेल करना है। ओके सर, ग्रेटर देन 60 को पास करना है, 40-60 को रीटेस्ट देना है और लेस देन 40 को फेल करना है। अब इसके लिए आप इफ फॉर्मूला और बाकी चीज तो लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता। इफ के फॉर्मूले ना लगाने के पीछे रीजन है, रीजन ये है इसमें, रीजन ये है हमारा कि हम फॉर्मूले फिलहाल मुझे नहीं आते हैं, या हो सकते हैं कि फॉर्मूले आते भी होंगे तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम ये टिक मार्क जो है इस टिक मार्क को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मैं समझ रहा हूँ, ये जो टिक मार्क हमने लगाया है इसमें समझ लीजिए कि जो राइट का निशान है इट मींस पास है, एक्सप्रेशन मार्क रीटेस्ट है, क्रॉस हमारा फेल है। अब लगा तो दिया लेकिन मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे इस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है, हमारे इस कंडीशन से मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें। तो आप क्या करें कि एरिया सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल आपको दिख रहा है, इस मैनेज रूल पे चले जाएं, इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ हमारे पास जो है कुछ रिजल्ट्स है उसको चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले परसेंटेज को नंबर में करें, क्योंकि हमारा ये नंबर है, परसेंटेज नहीं है, तो इसको नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये हम बोलते हैं 60 से बड़ा एंड 40 के बीच में, तो 40-60 में ए दिखेगा, 60 से ऊपर स्टिक मार्क दिखेगा और 40 से नीचे जो है ये आपका क्रॉस मार्क दिखेगा। देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। ठीक है सर, और समझने के लिए आप यहाँ पे 3-2-1 मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स को मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसमें 1-2-3 दिख रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, 1-2-3 ना दिखे तो वापस हम मैनेज रूल में जाएंगे जहाँ पे हम किसी भी कंडीशंस को चेंज करते हैं और यहाँ देखिए सो आइकन ओनली हमने लिख दिया, कर दिया एंड ओके कर दिया, अप्लाई। ठीक है सर, अब इससे एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि हमारे पास ये जो यहाँ आइकन्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना आइकन दिया हो, ये रिजल्ट है हमारा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेटा बार, तो डेटा बार जनरली क्या होता है, यहाँ हम लगाते हैं ना इस तरह से, मैं चाहता हूँ नहीं नहीं मेरा डेटा बार इसके साइड वाले कॉलम में यहाँ पे होना चाहिए। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जहाँ पे रिजल्ट होगा वहीं पे कंडीशन अप्लाई होगा, कहीं और अप्लाई नहीं होगा, तो क्या करें। इसके लिए सॉल्यूशन यह है कि हम इक्वल करके इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अपना डेटा बार लगा देते हैं या आइकन जो है आइकन लगा दीजिए और फिर मैनेज रूल पे जाएं, इसको डबल क्लिक करें, शो वार ओनली पे क्लिक करके ओके कर दें। अब यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि आपका कलर किस तरह से दिखे, किस तरह का कलर होना चाहिए वो पूरा यहाँ आपको दिख रहा है।
ओके एंड अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे वैल्यू है बट दिख नहीं रहा है, और हमारा जो चाहिए था वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है सर, हेलो राजेश जी, समझ में आया? जी सर। चलिए अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के यहाँ पे जो रूल्स है, मोर रूल्स या न्यू रूल्स पे चलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये जो चाहिए आप उसको आप सेलेक्ट करें, अपना नंबर दें और फॉर्मेट में आए और अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ पे कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगन विद, एंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह से डेट ऑफरिंग हो गया, ब्लैंक्स हो गया, नो ब्लैंक्स हो गया। यहाँ पे देखिए एरर, एरर दिख रहा है, एरर का एक अच्छा खासा यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एरर्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें। और इसके बीच में हम कुछ नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा नंबर है वो शो हो, जो एरर है वो एरर शो ना हो। तो इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ न्यू रूल्स के यूज फॉर्मेट कंटेंट में यहाँ पे एरर को सिलेक्ट करते हैं, और फॉर्मेट में हमने इसकी बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दिया। अब फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट है यहाँ पे, तो माफ़ कीजिएगा, और यहाँ फोरग्राउंड कलर यहाँ पर लेना पड़ेगा वाइट का। हाँ, हम बैकग्राउंड कलर भी वाइट ले लिया और फोरग्राउंड कलर भी वाइट ले लिया, तो बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड वाइट दोनों वाइट होगा तो आपका टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं कुछ इस तरह से। लेकिन लाइनिंग हट गई, हम चाहते लाइनिंग नहीं हटना चाहिए, तो मैनेज रूल्स में जाइए, इस पर डबल क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में आप फिल में नो फिल कर दीजिए, तो लाइनिंग आपकी नहीं हटेगी। ओके, इस तरह के तरीक से जो आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फंक्शंस की, जैसे कि आपके सामने यहां पे डेटा है और यहां पे क्वांटिटी और यहां पे एमआरपी है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो 1000 से ऊपर होता है तो पूरी की पूरी रो को कलर कर दे। मैं इसको एक बार नो कलर नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसको कलर करना है कि, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है। अब यहाँ एक चीज और भी है कि हम कलर कहीं और करना चाहते हैं और कंडीशन कहीं और लगाना चाहते हैं। ठीक है, कलर कहीं और कंडीशन कहीं और लगाना चाहते हैं। तो हम यहां पे कलर रखेंगे, अतः जहां पे फंक्शन की बात होगी हम सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे, पूरा इंटायर रो सेलेक्ट ना करेंगे। सिंगल सेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी इज ग्रेटर देन 1000। और जो टू के आएगा, रो नंबर के आएगा जो डॉलर है वो हटा देंगे, क्योंकि मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से पेंट करूँगा
तो हमारा 2, 3, 4, 5 ऐसे इंक्रीज होना चाहिए इसलिए। और फिर इसके ऊपर कोई कलर जो कलर चाहिए वो कलर को हम रख दिया एंड ओके कर दिया। देन फॉर्मल पेंटर से नीचे की तरफ हम पेंट कर देते हैं। तो जो भी 1000 से ऊपर था आपके सामने हाईलाइट हो गया, जो नहीं था वो हाईलाइट नहीं हुआ। अगर और एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी अकाउंट नंबर टेक्स्ट में लिखे, जैसे यहाँ पे नंबर ठीक है बट टेक्स्ट लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो किसी सेल में नंबर है या टेक्स्ट है कैसे पता चलता है? उसके लिए हमारे पास इज टेक्स्ट का फॉर्मूला है, इसको सिलेक्ट किए और नीचे की तरफ ड्रैग किए, ट्रू हुआ। इसको सिलेक्ट किए, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला देंगे इज टेक्स्ट लाइक इट ओपन, इसको सिलेक्ट किए और डॉलर साइन हटा दीजिए। और जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए, देन ओके, देन ओके, और कलर को नीचे तक ड्रैग कर लीजिए फॉर्मेट में। अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखेंगे हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं नंबर ही की बात कर रहा हूँ तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर 10 से कम या ज़्यादा हो तो हाईलाइट हो जाए, नहीं गलत हो तो इसके लिए लेन का फॉर्मूला है जो कि बताएगा आपको कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यहाँ भी छोटी सी दिक्कत होगा कि अगर आपने रूल्स में गए और आपने यहाँ पे लगा दिया कि इक्वल लेन, लेन में ई टू इज नॉट इक्वल टू 10, अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होगी। छोटी सी गड़बड़ क्या होगी कि आपका ब्लैंक सेल भी हाईलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक सेल पे जब लेन का फॉर्मूला चलेगा तो वो जीरो देगा और जीरो भी नॉट इक्वल टू 10 होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे और जब भी दो कंडीशन लगाने के लिए एंड और का यूज करते हैं। यहाँ हम एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन रिक्वायर है। हमने बोला ई टू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन दिया कि लेन जो है नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, देन ओके एंड अप्लाई करते ही चेंज के लिए हुआ। दो फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए इसको एक को डिलीट करना होगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ का नंबर डालेंगे तभी हाईलाइट होगा, नंबर पूरा डालेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। अब यहीं पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट दी है, मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे मेरा हाईलाइट। तो सैटरडे संडे लाने के लिए हम यहाँ पे यूज फार्मूला में यहाँ पे और का फार्मूला देंगे, और भी हमने यहाँ पे दे दिया, सॉरी यहाँ सैटरडे संडे में ला देता हूँ टेक्स्ट, या आप इसी फार्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। नीचे तक ड्रैग करते हैं, न्यूज यूज फार्मूला, और यहाँ पे हमने इक्वल और लगाया क्योंकि यहाँ पे हम एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि के टू इज नॉट के टू इज इक्वल टू सैटरडे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, सैटरडे संडे दोनों नहीं हो सकता इक्वल टू संडे। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट कर दिया एंड ओके
एन ओके और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर लिए। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और हम, अरे फ्राइडे को क्यों हाईलाइट कर रहा है? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। सॉरी, मैंने के टू कर दिया हुआ है, यहाँ पे के वन होना चाहिए। ओके सर, ठीक है, क्लियर है? जी जी जी। तो आप जो है, अब आपको जितने फॉर्मूले पता है उस हिसाब से मुझे 10 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एग्जांपल बना के अभी भेजिए सर, ठीक है? के बाद अभी ऑफिस चले जाए, टाइम नहीं मिलेगा जी। और कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड, कि हाउ कैन प्रोटेक्ट द सीड। और कल फ्राइडे है तो कल क्वेश्चन डे भी है, तो किसी तरह के क्वेश्चन हो तो कल पूछ सकते हैं।